आखिरकार जिस फिल्म का इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली आज से पूरे इंडिया में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के असली दबंग यानी कि सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि दबंग 3 आज से पूरे इंडिया में तहलका मचाने को बिल्कुल तैयार है। और दबंग 3 की बात करें तो सलमान खान की एक्टिंग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। पिछले दबंग और दबंग 2 से भी सलमान खान ने दबंग 3 में काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग किया है। खास करके सलमान खान के दमदार डायलॉग तो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर हम सलमान खान की डायलॉग की बात करें तो सलमान खान के दमदार डायलॉग पर सभी दर्शक सिनेमाघरों में जमकर सीटी बजाते हुए नजर आते हैं और उनके एक पंच पर दर्शक काफी ज्यादा आनंदित होते हैं। तो वहीं साउथ के स्टार सुदीप ने भी अच्छा किरदार निभाया है। जी, विलन के अवतार में सुदीप ने दमदार एक्शन और दमदार डायलॉग डिलीवरी दिया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो वहीं एक बार फिर से अरबाज खान नॉर्मल कैरेक्टर में हैं। कुल मिला के कहा जाए तो सलमान खान और बाली पर ही फिल्म फिल्माया गया है। दबंग 3 में सलमान खान का बिल्कुल हुड़हुड़िया दबंग तो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो वहीं सलमान खान पर फिल्माया हुआ आइटम तड़का मुन्ना बदनाम हुआ दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और सिनेमा घरों में जमकर सीटी बजाया जा रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो दबंग 3 में वह सभी मसाला मौजूद है जो दर्शकों को पसंद आती है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक दबंग 3 नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर फिल्म को जरूर देखें। और जिन लोगों ने फिल्म को देख लिया हुआ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सलमान खान की दबंग 3 कैसी लगी। वैसे आपको बता दें कि इंडिया यो की तरफ से 5 में से इसको 4.5 अंक दिए जाते हैं।